हेलो एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं तिंदरी आलू की सब्जी बना रही हूँ। इसके लिए छोटा छोटे वाले आलू ले और उसे अच्छे से दो तीन सीटी करके उबाल ले। हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, प्याज, लहसुन, जीरा, ये सोयाबीन है, मैंने 10 मिनट फुला के रखा था। ये मटर है जिसे मैंने एक सीटी दे के उबाल लिया है। अब हम मिक्सर जार में हरी मिर्ची, प्याज, अदरक और लहसुन लहसुन डाले, जीरा दे और इसमें थोड़ा सा पानी दे के इसका फाइन पेस्ट बना ले। ये सब्जी खाने में काफ़ी यमी लगती है और एक बार बना के ज़रूर इसे ट्राई करें। बहुत सिंपल, बहुत टेस्टी सब्जी है ये। अब इसे अच्छे से पीस ले। अब कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखें। ये सरसों का तेल है। अब इसमें हम 5 फोरन और सूखी लाल मिर्ची डालेंगे और ये पीसे हुए पेस्ट को डाल दें और इसे अच्छे से उबाल आने दें। फिर इसमें धनिया पत्ती, धनिया पाउडर 2 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची और थोड़ा सा पानी दे के इसे अच्छे से भून ले। जब ग्रेवी अच्छे से भून जाए, इसे खुशबू आने तक इसे एकदम स्लो फ्लेम में भूनते रहे और जब ये अच्छे से तो तेल छोड़ दे, फिर इसमें हम सोयाबीन डालेंगे। इसे हमने 10 मिनट पानी में फुला के रखा था भिंगो के। फिर इसे निचोड़ के डाल दें और इसे भी अच्छे से रोस्ट कर ले। फिर इसमें हम उबले हुए मटर डालेंगे, इसे भी अच्छे से भून ले। मिनिमम 5 मिनट तक इसे भूंजे। फिर इसमें हम आलू डालेंगे, आलू दे के इसे अच्छे से रोस्ट करें। इसमें अच्छे से इसे भी खुशबू आने तक भूंजे। इसे आप जीरा राइस के साथ खाइए, रोटी के साथ, बहुत यम्मी है ये। एक बार ज़रूर इसे बना के ट्राई करें। अब इसमें हम पानी डालेंगे। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डालें। मैंने 1 गिलास पानी डाला इसमें। अब इसे हम थोड़ी सी पानी और दे के इसे उबाल आने देंगे। इसे ढक के 10 मिनट के लिए इसे पकने के लिए दें और जब ये अच्छे से उबाल आ जाए, अब ये सब्जी हमारी रेडी है। इसमें हम धनिया की पत्ती डालेंगे, और लास्ट में इसे चीनी डाल के इसे उतार लें। ये खाने में काफ़ी यमी है। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अब लास्ट में इसमें थोड़ी सी चीनी दे के इसे उतार लें।